सभी को जय भीम नवोदय साथियों, मैं प्रशांत बोध और आज हम हैं दिल्ली के अंदर में डॉक्टर नेशनल मेमोरियल अंबेडकर पार्क में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये भीड़ उस ऐतिहासिक दिन की है 14 अक्टूबर 1956 की, जब बाबा साहेब ने अपने 7 लाख अनुयायियों के साथ में बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से मंच पे बाबा साहेब जो है वो खड़े होकर बाबा साहेब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थीं उनको वो अपना रहे हैं। जो यहाँ जनता आपको दिखाई दे रही है, भीड़ दिखाई दे रही है, ये वही जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए आए हुए हैं। और आज 14 अक्टूबर दोबारा 2022 में वही दिन फिर से दोहराया गया, और वही दिन फिर से दोहराया गया क्योंकि यहाँ पर आज इस नेशनल मेमोरियल पार्क में बहुत सारे लोग जो कि डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी के केस के बाद में जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, उन्होंने धम्म को अपनाया, वो 22 प्रतिज्ञाएं ली, और जो वो ऐतिहासिक दिन था बाबा साहेब के जीवन का, बहुजन समाज के जीवन का और गौतम बुद्ध के धम्म का, वही ऐतिहासिक दिन जो है दोबारा से दोहराया गया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टेलीविज़न में दिखाया जा रहा है, आप टेलीविज़न में देख सकते हैं ये वो फुटेज, वो वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए, लाखों की भीड़ आपको दिख रही होगी, वो लाखों की भीड़ अंबेडकर साहब के लिए वहाँ पर आई हुई थी, बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के लिए आई हुई थी। और ये 22 प्रतिज्ञाएं जो है बाबा साहेब ने उसी दिन तमाम देश के लोगों को दिए थे, ताकि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं वो धम्म को अपना कर, उसकी विचारधारा को अपना कर इस देश में शांति और समानता के लिए संघर्ष करें, और इसको एक सोने की चिड़िया जो हमारा देश पहले कहलाया जाता था उसको दोबारा से बना सके, समता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की गणना हो सके। और ये सभी लोग उस जो है समय के हिस्सा थे, और यहाँ पर इस चीज़ों को दिखाया गया है। और आज के दिन यहाँ पर बहुत सारे तमाम लोग जो है आकर के फिर से इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए दिल्ली के अंदर में भयंकर जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, जो कि राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में भी है और उन मनुवादियों को चैलेंज करने के लिए है जो आज बाबा साहेब की इन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के विवाद में बना रहे थे, उनको ये चैलेंज करने के लिए है कि हम तुमसे डरे नहीं थे, ना डरे हैं और ना कभी डरेंगे। तुमने 22 प्रतिज्ञाओं को विवाद बनाया, तुमने 22 प्रतिज्ञाओं को भगवान का अपमान, ये वो अगड़म झगड़म बताया, तो हम फिर 14 अक्टूबर 2022 को आए दिल्ली के अंदर में और इन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपना कर बोल कर तुमको फिर से सुना रहे हैं। तुम फिर से सुनो और फिर से विचार करो। मैं यकीनन कह रहा हूं कि आप लोग भी यदि बुद्ध धम्म की 22 प्रतिज्ञाओं को, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं, तो आपके जीवन का भी उद्धार हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं। तो ठीक है साथियों, आपको हम दिखाते हैं आगे की कवरेज, आगे की वीडियो में।